डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड्स। आज आपको बोर्ड के लिए कंपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स बता रही हूँ, उसका एक क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको फोर पॉइंट्स ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोप्लेनर के केस में आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो फॉर कोप्लेनर, फोर को प्लानर। तो इस केस में आप ए को सिंपली हम ओ ए वैक्टर लिखेंगे, दिस इज योर फोर आई प्लस फाइव जे प्लस के, एंड ओ बी वैक्टर इज योर जे माइनस के, एंड ओ सी वैक्टर है आपका थ्री आई प्लस नाइन जे प्लस फोर के, एंड ओ डी वैक्टर इज गिवन टू यू, दिस इज योर फोर ब्रैकेट में माइनस आई प्लस जे प्लस के, और देखिए ओ बी वैक्टर है माइनस जे माइनस के। तो सिंपल आप ए बी फाइंड आउट कीजिए, ए सी फाइंड आउट कीजिए एंड ए डी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए अगर आप ए बी निकालोगे तो फॉर ए बी यू जस्ट राइट ओ बी माइनस ओ ए, एंड इसकी वैल्यूज मैं यहाँ निकाल कर दिखा रही हूँ। जे माइनस के एक रखिए, माइनस लगा के फोर आई प्लस फाइव जे प्लस के लिखिए, फाइनली यू हैव गॉट माइनस फोर आई माइनस सिक्स जे एंड माइनस टू के। सिंपल आप अगर ए सी निकालोगे तो यू जस्ट राइट ओ सी माइनस ओ ए, और सी की वैल्यू आपको गिवन है 3i प्लस 9j प्लस 4k, इसमें से माइनस करेंगे आप माइनस 4i माइनस 5j और माइनस k, साइन चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए दिस इज योर माइनस i प्लस 4j एंड प्लस 3k। नाउ वी हैव टू फाइंड ad। देखिए ad फाइंड आउट करते समय आप ad इक्वल टू लिखेंगे od माइनस oa। तो सिंपल od की वैल्यू दे रखी है माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k, और इसमें से आप माइनस करोगे हुए तो माइनस 4i माइनस 5j माइनस k, तो सिंपली यू हैव गॉट माइनस 8i माइनस j प्लस 3k। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे ए बी ए सी एंड ई डी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कीजिए इक्वल टू जीरो। फाइनली यू जस्ट राइट ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, एंड बी ए सी आपको गिवन है माइनस 1 4 एंड 3, और दिस इज योर 8 माइनस 1 एंड 3। नॉर्मली से एक्सपैंड कर दीजिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। तो इसके अलोंग अगर आप एक्सपैंड कर लोगे तो माइनस 4 एज इट इज रखेंगे, दिस इज योर 12 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा, और इसे आप लिखोगे तो होगा माइनस 3 प्लस 24, एंड माइनस 2 एज इट इज रखिए, दिस इज योर 1 प्लस 32। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 3 होगा आपका 15, 6 एज इट इज रखेंगे, यहाँ आप अगर माइनस करोगे तो यू हैव गॉट 21, और माइनस 2 इंटू 33। तो नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 61 आएगा, और यहाँ देखिए 66 आएगा। तो फाइनली यू हैव गॉट 126 प्लस 126 दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स द फोर फैक्टर्स आर कोप्लेनर। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। ए वेक्टर गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड बीटा इक्वल टू गिवन है 2i प्लस j माइनस 4k, और आपको एक्सप्लेन करना है बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू ए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा 1 इज पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए। तो अगर वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यू जस्ट राइट बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, वेयर लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा इज ही रखिए, दिस इज योर 3i प्लस 4j प्लस 5k। इस इक्वेशन नंबर 1 मानिए, और जो क्वेश्चन में आपको गिवन है बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, वहां पर आप बीटा 1 एंड बीटा की वैल्यूज रख दीजिए। बीटा 1 है आपके पास 2i प्लस 4j माइनस सॉरी 2i प्लस j माइनस 4k, एंड बीटा 1 इज योर लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k, एंड बीटा 2 एज इट इज रखिए। तो देखिए यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बीटा 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2i प्लस j माइनस 4k, और माइनस का साइन लगाइए लैम्डा, दिस इज योर 3i प्लस 4j प्लस 5k। इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, और मैं i वाला टर्म एक साइड कलेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे बीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई कॉमन लीजिए, दिस इज योर 2 माइनस 3 लैम्डा, जे कॉमन लेंगे दिस इज योर 1 माइनस 4 लैम्डा, एंड के कॉमन लीजिए यू हैव गॉट माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा। क्वेश्चन में गिवन है बीटा 2 इज
perpendicular to a vector. तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो बीटा टू इंटू ए मॉड ए इक्वल टू जीरो. दैट इज बीटा टू की वैल्यू है आई टू माइनस थ्री लैमडा. जे एज इट इज रखिए दिस इज वन माइनस फोर लैमडा. के को एज इट इज कॉपी कीजिए माइनस फोर माइनस फाइव लैमडा. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. डॉट का साइन लगा के ये वैक्टर की वैल्यू लिखिए. दिस इज थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के. तो अगर आप नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो देखिए आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे यानी टू माइनस थ्री लैमडा इंटू थ्री लिखेंगे. जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वन माइनस फोर लैमडा होगा और दिस इज योर फाइव. ब्रैकेट में फोर माइनस फाइव लैमडा इक्वल टू जीरो. नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए ये सिक्स होगा. दिस इज योर नाइन लैमडा प्लस फोर माइनस सिक्सटीन लैमडा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव लैमडा. नॉर्मल मल्टीप्लाई है. नंबर्स कलेक्ट कीजिए. देखिए सिक्स और फोर टेन हुआ. टेन और माइनस टू तो यह ट्वेंटी. तो ये हैव गॉट माइनस टेन. यहाँ देखिए नाइन एंड सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव होगा. ट्वेंटी फाइव यानी यू हैव गॉट माइनस ट्वेंटी फाइव सॉरी फिफ्टी लैमडा इक्वल टू जीरो. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू हैव गॉट माइनस टेन इज इक्वल टू फिफ्टी लैमडा. दैट इज लैमडा इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव. वो भी माइनस में. लैमडा की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट करेंगे एंड यू हैव गॉट बीटा वन एंड बीटा टू रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार का जो 2 जुलाई का 2019 का कंपार्ट का पेपर हो रहा है उसके लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को वो स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें अगर आपसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं. तो एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन से हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ है होगा ना फॉर फ्यूचर हो सकता है. लेकिन अभी हम इस टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं वो अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. एक मॉरल इन्हांसमेंट कर रहे हैं एज अ टीचर. ये मेरा रोल है सोसाइटी के लिए. थैंक यू. शुक्रिया. जय हिंद.